85 मास्टर शेफ चैनल में सबको नमस्ते दोस्तों। आज बनाने वाली हूँ भिंडी मसाला रेसिपी। दोस्तों रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बनाने तरीका किस तरह पर बनाते हैं आप लोग वीडियो में बने रहें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ले लिया और गार्लिक का चॉप, इसका बाद में लूँगा जिंजर चॉप, इसका बाद में ग्रीन चिल्ली चॉप, इसका बाद में ले ली ग्रीन चिल्ली चॉप का बाद में लूँगा चलो 100 ग्राम का ओनियन चॉप ले लिया और 150 ग्राम का टमाटर छोटा छोटा टुकड़ा काट लिया, इसका बाद में लिया भिंडी 250 ग्राम और 250 ग्राम भिंडी ले लिया फुल अच्छा कलर का हरा कलर दिख के सरम टाइप दिखे दोस्तों इस तरफ से लेने को, इसका बाद में गठी काट देने को मुंडी और पीछे वाला काट लेने को इस तरफ से, इसका बाद में इस तरफ से इसको दो दो पीस करके छोटा छोटा करके टुकड़ा पीस कर लेने को दोस्तों इस तरफ से। देखिए दोस्तों इस तरफ से काट लेने का बाद दोस्तों तरह से काटने का बाद तो दोस्तों एक प्लेट में ले लूँगा, इसके नमक डाल के थोड़ा मिक्सिंग कर लूँगा, इसका तो पहले से ऑयल बैठा दिया था दोस्तों, इसको ऑयल में डाल के अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लो, 2 मिनट नहीं 1 मिनट काफ़ी हो जाएगा क्योंकि कलर ज़बरदस्त आता है तेल में के लिए थोड़ा ज़्यादा आता है। बस इसको निकालने के बाद इसको एक प्लेट में रख देंगे दोस्तों, इसका बाद में बैठाऊँगा इसका मसाला रेडी करने के लिए। ये पैन बैठा दूँगा चूल्हा जला के, पैन गर्म होने के बाद 50 ग्राम तक ऑयल डाल दूँगा, ऑयल डालने के बाद दोस्तों गार्लिक चॉप डालूँगा, जिंजर चॉप डाल दूँगा दोस्तों, जिंजर चॉप डालने के बाद दोस्तों ग्रीन चिल्ली चॉप डालूँगा, ग्रीन चिल्ली चॉप डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह से भूनूँगा, इस तरह से भूनने के बाद दोस्तों भूनूँगा, भूनने के बाद थोड़ी सी भूनने के बाद इसके बाद ओनियन चॉप डाल दूँगा दोस्तों, डाल दिए सारे ओनियन चॉप, इसको अच्छी तरह से भूनूंगा दोस्तों। इस तरह से भूनने के बाद थोड़ी से ब्राउन कलर आने के बाद दोस्तों टमाटर डाल देंगे दोस्तों, इस तरह टमाटर डालेंगे दोस्तों, इस तरह से टमाटर डाल के थोड़ी से भूनूंगा इसको अच्छी तरह से भूनूंगा। इसके बाद में दोस्तों डालूँगा मसाला हल्दी पाउडर, इसके बाद में डालूँगा दोस्तों थोड़ी सी चिल्ली पाउडर, थोड़ी सी काश्मीरी चिल्ली पाउडर, इसके बाद में थोड़ी सी जीरा पाउडर, इसके बाद में डालूँगा थोड़ी सी धनिया पाउडर, इसके बाद में डालूँगा थोड़ी सी सॉल्ट मतलब नमक, इसको नमक डालने के बाद थोड़ी सी मिक्स कर लूँगा मतलब सॉल्ट टेस्ट कर लूँगा। थोड़ी सी भुनने के बाद दोस्तों इसको थोड़ी सी पानी डाल के पकाऊँगा 2 मिनट तक। देखिए दोस्तों नॉर्मल पानी डाल दिए मतलब स्टॉक वाटर डाल के इसको अच्छी तरह से पकाऊंगा, तो मसाला में तेल छोड़ दीजिए, इसका तेल छोड़ने के बाद दोस्तों और थोड़ा भूनूंगा इसको अच्छी तरह से दोस्तों। भूनने के बाद तो भिंडी फ्राई करके रखा था इसको डाल देंगे दोस्तों इस तरफ से। देखिए दोस्तों भिंडी का कलर ज़बरदस्त है ऑयल में फ्राई करने के बाद, इससे तो मिक्सिंग कर लूँगा दोस्तों दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिए और थोड़ा भूनूंगा इसको, इसके बाद में क्या करूँगा दोस्तों 2 मिनट के इसको ढक्कन डाल के रख देंगे दोस्तों। ढक्कन डालने के बाद दोस्तों देखिए 2 मिनट के बाद इसको खोल के देखूँगा दोस्तों, 2 मिनट हो गया खोल के देखें, ज़बरदस्त हो गया दोस्तों भिंडी मसाला मेरा बन गया दोस्तों। इसको थोड़ा धीमी अच्छी तरह से भूनूंगा दोस्तों, इस तरफ से भूनूंगा। भूनने के बाद अभी मेरा भिंडी मसाला पकारी बोल सकते हैं इसको रेडी हो गया। इसको एक छोटी वाला कढ़ाई में साफ कर लेंगे इस तरफ से डाल देंगे। देखिए दोस्तों रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दूसरे को शेयर कर दीजिए। तब तक तो बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरा रेसिपी लेकर। नमस्ते, बाय बाय।